Good afternoon. Myself Sushma Tiwari. I am going to teach the topic the enormous turnip, the third unit of marigold prescribed by NCERT. The topic is the enormous turnip. The enormous means the meaning of enormous is very large. The meaning of enormous is very large. Spelling E-N-O-R-M-O-U-S. Huge or something very large. Turnip. The meaning of Hindi meaning of turnip is saljam, and turnip is a root vegetable. Turnip is a root vegetable, whitish fleshy part taproot, and it is grown in temperate area. Temperate means nothing too much hot nor too much cold area. The topic is enormous turnip, Bisal Bada Shaljam. Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. Children, as you know, the basic unit of any plant is seed. The basic unit of any plant is seed. And if we want to grow a plant or tree, we have to deposit some seeds underground, in the ground. So in the same way, once upon a time, ek samay ki baat hai, an old man planted some turnip seeds. Ek budha aadmi kuch saljam ke beej lagaya. Jaise ki kisi bhi ped ko ugane ke liye aapko beej lagana padta hai, tab wo ped grow karega. To waise budhe aadmi ne bhi turnip ka beej lagaya. Once upon a time, एक समय की बात है एंड ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी ने प्लांटेड सम टर्निप सीड्स लगाया. आफ्टर इट ग्रू एंड ग्रू टर्निप सीड बढ़ता गया द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू. आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड मैन. नाउ द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू पुल आउट द इनॉर्मस टर्निप. अब ओल्ड मैन उसको बाहर निकालना चाहता था, इनॉर्मस टर्निप को निकालना चाहता था. आई वॉन्ट टू पुल अप, मैं बाहर निकाल चाहता हूँ इनॉर्मस बड़ा विशाल ह्यूज टर्निप को. सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं उस इनॉर्मस टर्निप को अब बाहर निकालना चाहता हूँ. पुल मींस खींच कर बाहर निकालना. द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड. ओल्ड मैन वेरी ट्राइड हार्ड टू पुल आउट द इनॉर्मस टर्निप, बट ही कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. लेकिन वो उसे निकाल नहीं पाया. द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड. ओल्ड मैन जो था उसे खींचता रहा, बट ही कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. बिकॉज द टर्निप इज वेरी लार्ज, सो द ओल्ड मैन वॉज अनेबल टू पुल इट आउट फ्रॉम द ग्राउंड, बट ही ट्राइड वेरी मच टू पुल इट आउट. उसे निकालने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो उस टर्निप को निकाल नहीं सका क्योंकि वो बहुत बड़ा, बहुत विशाल हो चुका था. एंड ओल्ड वुमेन केम. तभी एक बूढ़ी औरत आई. एंड ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन मीन्स बूढ़ी औरत, केम मीन्स आई. आई वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड मैन. देन ओल्ड मैन सेड टू द ओल्ड वुमेन दैट आई वॉन्ट टू पुल आउट दिस इनॉर्मस टर्निप. तब उस बूढ़े आदमी ने बूढ़ी औरत से कहा कि मैं इसे निकालना चाहता हूँ. आई विल हेल्प यू, सेड द ओल्ड वुमेन. देन ओल्ड वुमेन एग्रीड टू हेल्प द ओल्ड मैन. तब बूढ़ी औरत उसका सहायता करने के लिए तैयार हो गई. आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, सेड द ओल्ड वुमेन. बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड. Both are trying very hard to pull out the enormous turnip. दोनों बहुत कठिन परिश्रम करने लगे कि कैसे भी हम इसे बाहर निकालें. But they could not pull up the enormous turnip. But alas, they could not pull it out. दुख की बात यह थी कि वो उसे बाहर नहीं निकाल पाए. Because the turnip is so large, so huge, as the topic is the enormous turnip. तो वो दोनों प्रयास करते हैं. Old man and old woman both tried hard, but they are unable to pull it out from the ground. दोनों कठिन परिश्रम करते हैं लेकिन उसे निकाल नहीं पाते हैं. A boy came. Suddenly a boy came.
तभी एट द सेम स्पॉट ए बॉय कैन, उसी जगह पे एक लड़का आ जाता है. वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निंग. देन ओल्ड मैन एंड ओल्ड वोमेन बोथ सेड टू द ओल्ड बॉय, बोथ सेड टू द बॉय, लिटिल बॉय, दैट आई वॉन्ट टू, वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निंग, कि हम दोनों इसको निकालना चाहते हैं. सेड द ओल्ड वोमेन, ओल्ड वोमेन ने कहा. We want to pull up that enormous turnip, said the old woman. हम लोग इसे बाहर निकालना चाहते हैं, old woman ने कहा. I will help you, said the boy. Then boy is ready to help them. Boy जो है ready हो गया उन लोग को help करने के लिए. The old man and the old woman and the boy pulled and pulled. Three were trying to pull out the enormous turnip. बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत और एंड द बॉय लड़का, ये तीनों मिलके उसे खींचने लगे. बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वो इस टर्निप को खींच नहीं पाए, बाहर निकाल नहीं पाए, वो लोग अनेबल थे इसे बाहर निकालने में. देन ए गर्ल केम, तब एक लड़की आती है. वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, सेड द बॉय. देन बॉय सेड दैट We want to pull that enormous turnip. तब लड़के ने कहा कि हम लोग इसे बाहर निकालना चाहते हैं. I will help you, said the girl. The girl was ready to help them. लड़की तैयार हो गई कि हम आप लोग का सहायता करेंगे. The old man and the old woman and the boy and the girl pulled and pulled. All were trying very hard to pull the enormous turnip. सभी कठिन परिश्रम करने लगते हैं. Old man, old woman and the boy and the girl pulled and pulled. ये सारे मिलके उसे बाहर निकालने लगते हैं. We will help you to eat the enormous turnip, said the, up came the enormous turnip. टर्निप जो है बाहर आ जाता है. As you know that unity is strength, एकता में शक्ति होती है. तो when three of them trying hard for the turnip, at last finally the turnip came out. टर्निप जो है बाहर आ जाता है. एंड दे बिकेम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाते हैं. एंड फाइनली अप केम द इनॉर्मस टर्निप, टर्निप जो है बाहर आ जाता है. वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप, हम लोग सहायता करेंगे तुम्हारा टर्निप खाने में, सेड द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत ने कहा. एंड द बॉय एंड द गर्ल, और उस बॉय ने भी कहा और गर्ल ने भी कहा कि हम लोग इसे खाने में तुम्हारी सहायता करेंगे. और एंड दे डिड, और उन्होंने ऐसा किया भी. दे आल ज्वाइन एंड ईट द इनॉर्मस टर्निप.